हिमाचल प्रदेश अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ ने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर द्वारा छठे वेतनमान को पंजाब की तर्ज पर प्रदेश में लागू करने और कर्मचारियों की मांगों को मानने पर आभार व्यक्त किया। महासंघ के जिला शिमला अध्यक्ष गोपाल झिल्टा ने शिमला में पत्रकार वार्ता के दौरान कहा कि सरकार द्वारा अश्विनी ठाकुर को मान्यता के बाद जेसीसी की बैठक में कर्मचारियों की मांगों पर सार्थक वार्ता के माध्यम से समाधान हुआ है, जिसमें पंजाब के छठे वेतनमान की सिफारिशों को लागू करना भी शामिल है। उन्होंने कहा कि वेतन से संबंधित कुछ विसंगतियां अभी भी रह गई है, जो पूर्व कांग्रेस सरकार की देन है। उसमें 4914 पे बैंड व ग्रेड पे और 2 वर्ष के राइडर को समाप्त करने की है। इस विसंगति को समाप्त करने के लिए महासंघ ने सरकार द्वारा नए वेतनमान की अधिसूचना जारी करने के तुरंत बाद ज्ञापन सौंपकर इसे सुलझाने की बात कही है। आज जो प्रेस वार्ता थी वो कर्मचारियों के मुद्दों को लेके थी, विशेषकर पे स्केल को लेके। काफी दिनों से युवा को चला है पे स्केल के बारे में, उसके बारे में हम यहाँ चर्चा करने बैठे थे, बाकी समस्या को लेकर बैठे थे। का हमारा 6th पे कमीशन लागू हुआ है, उस पे कमीशन में कुछ एनोमली विसंगतियाँ रहती थी। उस विसंगतियों को दूर करने के लिए महासंघ ने सरकार के पास अपनी बात रखी, ज्ञापन दिया कि ये विसंगतियाँ हैं दूर की जाए। और उस विसंगतियों को दूर करने का पहला चरण 15% हाइक जो है कर्मचारी को उसकी पे स्केल में उसकी नोटिफिकेशन कर दी गई। अब और 2 मुद्दे और रहते निस्संदेह पे स्केल को लेके, वो है 2 ईयर्स का राइडर है, 4914 का मामला है। वो मामले दोनों इश्यूज हमारे पास गवर्नमेंट के पास एक्टिव कंसिडरेशन में पाइपलाइन में है, वो भी जल्दी हो जाएंगे। हम माननीय मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी का आभार व्यक्त करते हैं। प्रो कर्मचारी है, कर्मचारी हितैषी है, जो उन्होंने कहा, जो उन्होंने जेसीसी में कहा, जो उन्होंने सोलन में कहा, उस बात को माना। और मानने के बाद ये भी कहा कि कोई कमी रह जाती है उसको भी पूरा कर दिया जाएगा। फिर भी कुछ लोग इस बात को लेके मतलब जो है आशंकित है कि नहीं होगा। हमें कोई आशंका नहीं, कर्मचारियों की जो समस्या है उसका समाधान होगा। पे स्केल और नॉमली की बात हो, पोस्टिनेशन की बात हो, बाकी और इश्यूज हमारे हैं, सारे सेटल हो जाएंगे। लेकिन सामंजस्य से हो गया सरकार का साथ, अश्विनी ठाकुर जी की अध्यक्षता में जो भी बातें चल रही है इस बात को लेकर बिल्कुल सार्थक दिशा में चल रही है, और जल्दी ही इसका समाधान बाकी इश्यूज का भी होगा। और हम जयराम ठाकुर जी की जो कर्मचारी को प्रति भाव है, स्नेह है, अपनापन है, हमें पूरा विश्वास है जो इस समस्या का समाधान भी हो जाएगा। 15% जो उन्होंने दिया उसके लिए आभार व्यक्त करते हैं। पूरा हिमाचल प्रदेश का कर्मचारी जयराम जी के साथ दृढ़ता से खड़ा है, जब तक हमारी ये सारी समस्या मान रहे हैं पूरी तरह से खड़ा है दृढ़ता के साथ। के चैनल के लिए शिमला से पुष्पेंद्र कुमार की रिपोर्ट।